आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। भाजपा का झारखंड सचिवालय घेराव के दौरान जमकर बवाल हुआ। सुरक्षा बलों ने पहले ही बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसे भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पार करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते रहे। पुलिस के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन छोड़े गए। इसके बाद पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। लाठीचार्ज में कुछ कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी खबर है। सुरक्षा बलों ने भाजपा नेता बिरंची नारायण, सांसद संजय सेठ, सुनील सिंह के साथ कई नेताओं को भी गिरफ्तार किया है। इस घेराव कार्यक्रम को लेकर प्रभात तारा मैदान में तैयारियां की गई थी। प्रभात तारा मैदान में बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, अन्नपूर्णा देवी सहित कई नेता पहुंचे, जहां हेमंत सरकार की नीतियों को लेकर जमकर बरसे। कितना गोलियां चलाओगे, दम है चलाओ, हम सब डरने वाले नहीं है। हिसाब देना होगा महिला उत्पीड़न का, हिसाब देना होगा खनिज लूट का, हिसाब देना होगा रिश्वतखोर का, हाँ हिसाब देना का जितने खान आपने अपने नाम लिए हैं, हिसाब देना होगा कि कहाँ 5 लाख नौकरियां दी, हिसाब देना होगा कहाँ आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, हिसाब देना होगा कितना आपने बिजली दी, हिसाब देना होगा कानून व्यवस्था का, हिसाब देना होगा कि लगातार जो मर्डर हो रहे हैं ये हिसाब कौन देगा। ये हिसाब मांगने हम जा रहे हैं, हिसाब मांगे लाठी चलाओगे, अब लाठी मारोगे, एक एक जनप्रतिनिधि को लाठी मारोगे, क्या यही न्याय है? बिल्कुल जाएंगे, सरकार बिल्कुल जाएंगे, ये सरकार निकम्मी है, देख रहे कैसा लाठी मार रहे हैं, सर में लाठी मार रही है। ये है झारखंड और हेमंत सोरेन की निकम्मी भ्रष्टाचार सरकार। ये जनता की सेवा के लिए इतने तत्परता और सक्रियता के साथ काम नहीं करती है जितना ये कुचलने और ठगने और भ्रमित करने और लूटने के लिए ये झारखंड सरकार जो है आज जो है सक्रिय दिखा रही है। हमेशा महिलाओं को बेइज्जती की है, जमीन लूटी है, ट्रांसफर कोशिश कर रहे हैं, कोई काम नहीं होता है। चोर है, लुटेरी सरकार है, ना महिलाओं का सम्मान है, ना आदिवासियों का सम्मान है, सिर्फ और सिर्फ जमीन की लूट है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है। जो है बीजेपी कार्यकर्ता जो है बैरिकेटिंग के उस पार है, रोकने का प्रयास में कर रही है। सहयोगी राजे भाजपा के प्रदर्शन के दौरान मची अफरा तफरी में कई पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। धुरबा गोल चक्कर मैदान पर बड़े पैमाने पर फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। प्रोजेक्ट बिल्डिंग से लेकर धुरबा गोल चक्कर मैदान के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई थी। व्यवस्था हो रहा था, बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया था, कुछ लोग बैरिकेडिंग के ऊपर आकर के ढेला पत्थर वगैरह फेंकने लगे थे, पानी का बोतल फेंकने लगे थे, तो विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया था, कैनन से पानी चलाया गया और उसके बाद हल्की लाठीचार्ज करके उनको पीछे ढकेल दिया। क्या कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं या किन्हीं को? कुछ पुलिस बल हमारे पुलिसकर्मी और पदाधिकारी घायल हुए हैं पथराव में और बोतल वगैरह से, वो कार्रवाई की जा रही है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी सभी लोगों को बैरिकेडिंग के पीछे कर ढकेल दिया गया है, बैरिकेडिंग के पीछे उनका कार्यक्रम शांति। कुछ नेताओं को डिटेन भी किया गया है? हाँ, कुछ नेताओं को डिटेन किया गया है, कुछ लोगों को सुरक्षा के ख्याल से जिसकी चोट उनको न लग जाए उनको किनारे हम लोग कर दिए थे, सभी को अभी कैम जेल भेज दिया गया। अभी स्थिति क्या है अगर ओवरऑल देखा जाए तो? वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।